हेलो एंड वेलकम टू एम एफ हिंदी। तो गाइज यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं नए प्लेयर्स डायमेंशन रिफ्ट कैसे खेल सकते हैं और कौन सा टीम यूज़ करके डायमेंशन रिफ्ट क्लियर कर सकते हो आप लोग। तो देखो, सबसे पहले आपको डायमेंशन रिफ्ट में जाना है और अगर कोई ओपन है, मतलब आपके फ्रेंड ने ओपन किया, तो यहाँ पे सिंपल इंटर का ऑप्शन दिखाएगा, तो आप सिंपली इंटर हो जाओ। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ओपन करो, ठीक है, ओपन करो। इसके बाद में टीम सेट करो, टीम में कौन सा कैरेक्टर बेस्ट रहेगा, कौन सा कैरेक्टर हम चूज़ कर सकते हैं। तो देखो, जो भी आपके पास हाईएस्ट बिल्ड कैरेक्टर है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यस, जो भी आपके पास हाईएस्ट बिल्ड है, लाइक सिंपली यहाँ पे टीम वाले पे ऑप्शन पे, खोपड़ी वाले पे ऑप्शन पे टच करो। उसके बाद में यहाँ पे देखो कौन सा कैरेक्टर आपके पास है, कौन सा कैरेक्टर हाईएस्ट बिल्ड कैरेक्टर आपके पास है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक, मेरे केस में काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, बाकी बेस्ट कैरेक्टर जो है डिस्पैच मिशन के लिए भी और यहाँ पे डायमेंशन रिफ्ट के लिए भी आप लोकी को यूज कर सकते हो, और इसके अलावा रोक को भी यूज कर सकते हो अगर टीयर 3 है आपके पास। तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लो, रोक के बारे में था एक, मतलब डिस्पैच मिशन हाईएस्ट लेवल कैरेक्टर प्लेयर्स के लिए। अभी ये वाला टीम, इस टीम से मैंने प्ले किया था डिस्पैच मिशन, 55 सेकंड में क्लियर हो जाता है एक स्टेज वन। तो देखो सिंपल, आप नए प्लेयर हो, आपके पास ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, तो टीयर 3 कर लो, लोकी को धीरे धीरे बिल्ड कर लो, ठीक है। टीयर 3 करके उसके बाद में आप यहाँ पे बीच में कोई ऐसा कैरेक्टर रखो जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं कि एनर्जी अटैक वाला कैरेक्टर रख लिया और डिस्पैच मिशन शुरू कर दिया, नहीं। देखो सबसे पहले आप एक काम करो, अपने लोकी पे टच करो, उसके बाद में डिटेल में देखो, डिटेल में जाके देखो कि आपके लोकी के पास कूल डाउन, रिड्यूस कूल डाउन यहाँ पे जो दिख रहा है ना 50% है या नहीं है, ठीक है, इसको पहले देखो। इसके बाद यहाँ पे देखो इग्नोर डिफेंस कितना है, इग्नोर डिफेंस 50% का है या नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कूलडाउन 50% नहीं है, इग्नोर डिफेंस 50% नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल आप यहाँ पे कस्टम गियर कैरेक्टर गियर पे जाओ और यहाँ पे लास्ट वाले चौथे नंबर पे आके आप टच करके यहाँ पे चेंज ऑप्शन, देखो यहाँ पे चेंज ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे चेंज ऑप्शन में जाके इसको चेंज कर लो। ऑटो चेंज पे जाओगे, उसके बाद में यहाँ पे स्किल कूलडाउन, इग्नोर डिफेंस दोनों मिल जाएगा। अब कौन चीज की कमी है, कौन सी चीज की कमी है, आप वहाँ पे सेलेक्ट करो स्किल कूलडाउन। सबसे पहले यहाँ पे स्किल कूलडाउन अगर कम है तो स्किल कूलडाउन पे सेलेक्ट करो और ऑटो चेंज के ऑप्शन पे ओके कर दो, ये ऑटोमेटिक चेंज होके स्किल कूलडाउन आ जाएगा यहाँ पे। मेरे केस में मेरे पास सब कुछ है कूलडाउन, इग्नोर डिफेंस, इसलिए मैंने क्रिटिकल डैमेज सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप कूलडाउन वहाँ पे मैक्स करो। अगर फिर भी नहीं होता है, सपोज कि ठीक है आपका वहाँ पे किया, यहाँ पे इसमें कूलडाउन आ भी गया, फिर भी यहाँ पे डिटेल में जाके 50% नहीं पहुँचा, इसके बाद आपको करना है फिर से कस्टम गियर पे जाना है और सिंपल वहीं फिर से गियर वाले उसमें जाना है और इक्विप उरू करना है, उरू यहाँ पे इक्विप करना है। उरू में क्या ले सकते हो, देखो सिंपली पहले तो आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एम्पलीफाई पे टच करोगे और ये 30,000 का गोल्ड लगेगा, तो सिंपल यहाँ पे एक बार ऐसे टच करो, ये एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये चार से तीन हो जाए, लेकिन दो ना हो, ठीक है, दो रहेगा तो फिर दो ही स्लॉट में आप उरू दे सकते हो, तो 3, 4, 5 आएगा तो बेटर रहेगा। कोशिश करना यहाँ पे, अगर आता है तो ठीक है, ट्राई करना एक दो बार, नहीं तो अगर दो भी आ जाता है तो भी वहाँ पे कूलडाउन की कमी है तो कूलडाउन का उरू। अब देखो यहाँ पे उरू कैसे देना है, तो सिंपल यहाँ पे साइड में दिया हुआ है सब कुछ, तो कूलडाउन अगर कूलडाउन की कमी है तो देखो यहाँ पे कूलडाउन का उरू दिया हुआ है, सिंपल आपको ऐसे इक्विप करना है और यहाँ पे टच करके इक्विप कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। रिंग वाले जो ये सर्कल घूम रहा है ना, इस वाले में करना है, खाली वाले पे नहीं करना है, तो ये हो गया। बाकी अब यहाँ पे समझ लो कूलडाउन भी दे दिया आपने और अब इग्नोर डिफेंस की कमी है, तो इग्नोर डिफेंस का भी उरू मिल जाता है यहाँ पे, देखो इग्नोर डिफेंस का उरू है, तो इसको सिंपली आप यहाँ पे इक्विप कर लो, ठीक है। इस तरह से इग्नोर डिफेंस और कूलडाउन मैक्स करो पहले तो। उसके बाद में टीम सेलेक्ट करो, लोकी को सेंटर में नहीं रखना है, लीडरशिप में नहीं रखना है, क्योंकि अगर सपोज कि आपका कार्ड अच्छा नहीं है, मेरे 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 हिसाब से मैं तो कर लूँगा, ठीक है, लेकिन सपोज कि आपका कार्ड अच्छा नहीं है और आपके कार्ड पे अटैक वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको या तो एनर्जी अटैक देना है, और हाँ एक बात और मैं बता दूं, अगर फिर भी उरू देने के बाद भी और यहाँ पे कस्टम गियर, ये जो कस्टम कैरेक्टर गियर है इसमें कूलडाउन लाने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, कूलडाउन ज़्यादा 50% नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, जिस कैरेक्टर के पास कूलडाउन का लीडरशिप है उसको दे सकते हो, यहाँ पे लीडरशिप में रख सकते हो, लाइक कैप्टन सॉरी क्या बोलते हैं आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन के पास यहाँ पे देखो कूलडाउन का लीडरशिप है, डिक्रीज स्किल कूलडाउन बाय 24%,
तो 25-24% का आपको कूलडाउन यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कूलडाउन चाहिए किसी भी हाल में 50% कूलडाउन होना चाहिए डायमेंशन रिप खेलने के लिए, 50% या फिर 40% तो होना ही चाहिए मिनिमम, तो ये कर सकते हो। बाकी चलो ठीक है, आपके पास समझ लो कि आ गया कूलडाउन 50%, तो लीडरशिप में कौन सा कैरेक्टर दे सकते हो। तो अगर आपके पास क्या बोलते ग्रीन गोब्लिन का लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म है, ठीक है, ग्रीन गोब्लिन का लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म है, फिर तो समझ लो सोने पे सुहागा। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता डायमेंशन रिफ्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो ग्रीन गोब्लिन का यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पे देखो ग्रीन गोब्लिन का यूनिफॉर्म, इसमें मिल रहा है हमको लीडरशिप ऑल अटैक का 40%, इग्नोर डॉज का 40%, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो टीयर टू पैसिव है यहाँ पे मिल रहा है अप्लाई टू विलेन अलाई, सुपर विलेन, सुपर हीरो दोनों के खिलाफ 45% का डैमेज इंक्रीज। तो भाई साहब अगर आपके पास ग्रीन गोब्लिन का यूनिफॉर्म है, देखो ग्रीन गोब्लिन एकदम इजी टू फॉर्म है, आराम से डायमेंशन रिफ्ट से सॉरी डायमेंशन मिशन से बायोमेट्रिक मिल जाएगा टोकन से, तो इसको करो टीयर टू और इसका यूनिफॉर्म लो अगर खेलना है डायमेंशन रिफ्ट। तो यहाँ पे इस तरह से टीम सेट करो, ग्रीन गोब्लिन को लीडरशिप में रखो। इसके बाद में आप चाहो तो एक और सपोर्ट रख सकते हो, या फिर कोई भी कैरेक्टर जो भी आप देना चाहो, जैसे कि अभी समझ लो डैमेज रिडक्शन के लिए चाहिए तो कोलोसिस को रख सकते हो। अगर आपका लोकी मरेगा नहीं यार, टेंशन मत लो, कोलोसिस को मत रखो, ठीक है, लोकी नहीं मरेगा, डायमेंशन रिफ्ट में कौन कहाँ मरता है यार कैरेक्टर तो ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और सपोर्ट कैरेक्टर देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो वास्प को, इसका टीयर टू पैसिव जो है वो रिमूव ऑल क्या बोलते हैं इसको, रुक जाओ, रिमूव ऑल डिबफ वाला, व्हेन डिबफ रिमूव ऑल डिबफ, यानी कि आपका कैरेक्टर फ्रीज नहीं होगा, अभी डायमेंशन रिफ्ट प्ले करेंगे उसमें दिखाएगा फ्रीज होने का चांस रहता है और यहाँ पे स्टन होता है, बाइंड होता है, तो वो नहीं होगा। इस टाइप से आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। और अगर मान लो कि आपके पास ग्रीन गोब्लिन का यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट वास्प को टीयर टू करो, ठीक है, वास्प को टीयर टू करो, उसके बाद में लीडरशिप में रखो इसको, वास्प को लीडरशिप में रखो। सिंपल एकदम सिंपल टीम बता रहा हूँ, ठीक है, सारे प्लेयर्स के पास हो जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पे सूरी को साइड में रखो। सूरी को साइड में रखने का वजह यह है कि इसका जो टीयर टू पैसिव है यहाँ पे देखो इंक्रीज बेसिक डैमेज डेल टू सुपर विलेन बाय 35%, तो सुपर विलेन के खिलाफ इस ये इंक्रीज कर देगी डैमेज, और ये अप्लाई टू ऑल एलाई है, यानी कि लोकी को भी अप्लाई होगा। तो अगर आपके पास ग्रीन गोब्लिन भी नहीं है तो वास्प, सूरी और लोकी से प्ले करो, ठीक है, और अगर कोशिश करो बिल्ड करने की कोशिश करो ग्रीन गोब्लिन को, और इसका यूनिफॉर्म लेने की कोशिश करो। अगर मिल जाता है ग्रीन गोब्लिन ले लेते हो तो फिर डायरेक्ट इसको लीडरशिप में रख के उसके बाद में प्ले करो। यहाँ पे डिफिकल्टी 1 ही प्ले करना, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो 1 ही प्ले करना। इस तरह से यहाँ पे इंटर करने के बाद देखो सबसे पहले आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, और इग्नोर डिफेंस कूलडाउन आपके कैरेक्टर पे मैक्सिमम 50% होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, कहीं से भी नहीं हो पा रहा है, तो लीडरशिप में कूलडाउन रखो। उससे भी नहीं हो पा रहा है तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता फिर ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। तो देखो या तो अभी मेरे कंडीशन में मेरे अकाउंट के हिसाब से मैं ग्रीन गोब्लिन से भी ऑटो प्ले डाल दूंगा तो भी हो जाएगा। ग्रीन गोब्लिन का टीयर 3 नहीं है, अवेकन नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार ग्रीन गोब्लिन बकवास है। भाई एक बात बताऊं, अभी तक मेरे अकाउंट में आप अगर देख लोगे 40+ टीयर 3 कैरेक्टर है और 25-30 अवेकन कैरेक्टर है। टीयर 2 लेवल 70 में सबसे ज़्यादा डैमेज ग्रीन गोब्लिन का है, यहाँ तक कि किसी किसी अवेकन कैरेक्टर से भी और किसी टीयर 3 कैरेक्टर से भी बढ़िया ये 70 पे भी परफॉर्म कर रहा है। अरे ठीक है यार, अवेकन नहीं है, टीयर 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेकार है। चलो ठीक है, वर्ल्ड बॉस लेजेंड में नहीं ले जा सकते इसको, यही ना, बस इतना नहीं कर सकते कि वर्ल्ड बॉस लेजेंड में और जीबीआर डोरमामू में नहीं ले जा सकते। उसके अलावा भी बहुत सारे गेम मोड है भाई, डायमेंशन रिफ्ट अभी आपके सामने चल रहा है, स्पेस मिशन है, ठीक है, स्टोरी मोड है, स्क्वाड बैटल है, एबीएक्स है, हर जगह तो खेल सकते हो इसको। तो जो लोग बोल रहे हैं ग्रीन गोब्लिन बेकार है, भाई उनके लिए एक सेकंड का मौन है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन गोब्लिन ही मेरा क्लियर कर दे रहा है, क्योंकि मेरा कार्ड वैसे देखो ग्रीन गोब्लिन अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, आप लोग इसको बिल्ड करो, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, एबीएक्स में काम आएगा सुपर विलेन के दिनों में, स्पीड सुपर विलेन के दिनों में, और स्क्वाड बैटल में भी रिक्वायरमेंट है इसकी, और डिस्पैच मिशन में लीडरशिप में रख सकते हो इसको, ठीक है। तो देखो 1:12 में ये क्लियर हो गया। अभी सिंपल आपको करना है, अगर आपको ऑटो प्ले पे नहीं हो रहा, आप नहीं कर पा रहे हो,
तो सिंपली ये टीम सेट करो, जो भी आप वास्प का करना चाहते हो तो वास्प सूरी और इसके बाद में लोकी, तो इस तरह से टीम सेट करने के बाद आप यहाँ पे स्विच कर लो, ठीक है, लोकी को स्विच कर दो, यहाँ पे स्विच कर दो लोकी को और ऑटो पे डाल दो, हो जाएगा। अगर ऑटो पे नहीं हो पा रहा है तो फिर मैनुअल प्ले करना पड़ेगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कर सकते जब तक कार्ड अच्छा नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या तो कार्ड अच्छा बनाओ या फिर मैनुअल प्ले करो, आधा घंटा बैठ के खेलो, और आधे घंटे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बार ही खेल पाओगे, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे फिर आपको क्लियर करने के लिए अगर कार्ड अच्छे नहीं है। कभी कभी तो मैक्सिमम 3 मिनट भी लग जाएंगे। मेरे नए वाले अकाउंट में 2 मिनट प्लस लग रहा है। अभी जो मैंने आपको टीम बताया, मैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ सूरी को साइड में, सपोर्ट में, वास्प को लीडरशिप में। देखो मेरे पास कैप्टन मार्बल भी है 30% एनर्जी अटैक के साथ, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिमूव ऑल डिबफ का इफेक्ट भी चाहिए, ताकि मेरा लोकी रुके ना कहीं पे भी, टाइम फ्रीज मतलब फ्रीज ना हो। अभी देखो इस वाले इसमें अभी ये लोग फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, वो ऐसे खंभा जैसा निकलता है और आपके लोकी को फ्रीज कर देगा, तो अगर वास्प रहेगी तो वो फ्रीज नहीं होगा, तो ये बढ़िया रहता है। तो यस, मैं नए वाले अकाउंट में कर पा रहा हूँ अभी 2 मिनट 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऐसा करके लगता है ऑटो प्ले पे, ठीक है। मैनुअल प्ले करूँगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो देखो ये खंभा निकला ना, तो यहाँ पे ये फ्रीज कर देता है, जब आपका अगर लोकी वहाँ पे बीच में पहुँचा तो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर वास्प रहेगी तो नहीं फ्रीज होगा, तो ये बेनिफिट रहता है। तो इस तरह से आप प्ले करोगे 1 मिनट, तो 1 मिनट में क्लियर हो गया। तो ये है आइडिया आपको प्ले करने का डायमेंशन रिप। बाकी डायमेंशन रिप प्ले करना क्यों है, देखो कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब के लिए भाई अभी इन लोगों ने हटा दिया है जीबीआर से, तो ये प्ले करना ही पड़ेगा। नए प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, इसको प्ले करना काफ़ी हार्ड है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी है, जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो बेटर है अगर कार्ड अच्छे हैं तो फिर ऑटो प्ले पे डालो, अच्छे नहीं है तो फिर मैनुअल प्ले करो, ठीक है। कार्ड अच्छे नहीं है तो फिर मैनुअल प्ले करो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक। तो आई होप कि आइडिया मिल गया होगा डायमेंशन रिफ्ट कैसे प्ले करना है, और अपने कैरेक्टर पे कौन सी चीज़ की देखना है, कौन सा चीज़ आपके कैरेक्टर पे देखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में फिर से एक बार समरी बता देता हूँ। सबसे पहले अपने कैरेक्टर पे, अपने लोकी पे, स्पेशली अपने लोकी पे देखो कूल डाउन इग्नोर डिफेंस पूरा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उरू दे के करो, या फिर हाँ एक चीज़ मैं भूल गया था, तो चलो ठीक है, उरू देके करो या फिर कैरेक्टर गियर से करो, या फिर यहाँ पे कस्टम गियर में भी कर सकते हो। यस, कस्टम गियर में भी इग्नोर डिफेंस का आपको कस्टम गियर मिल जाएगा, कूल डाउन का नहीं मिलेगा लेकिन इग्नोर डिफेंस का कस्टम गियर मिल जाएगा, तो यहाँ पे इग्नोर डिफेंस भी दे सकते हो डैमेज प्रॉक के साथ। तो ये चीज़ करो, लोकी पे देखो पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद में वास्प रखो या फिर कोई भी एनर्जी अटैक वाला लीडरशिप रखो। बाकी आपके पास अगर नए हो तो सूरी ही होगी बेटर, और तो कोई है नहीं ऐसा। या फिर टास्क मास्टर का अगर बिल्ड कर लिया आपने, टास्क मास्टर को बिल्ड कर लिया है तो, और इसका यूनिफॉर्म ले लिया, तो टास्क मास्टर को सपोर्ट में रखो, साइड में रखो, नहीं तो फिर ग्रीन गोब्लिन सबसे बेटर है लीडरशिप और सपोर्ट के लिए, उसको रखो। तो यही सारे कैरेक्टर हैं नए प्लेयर्स के लिए जो यूज करके आप यहाँ पे डायमेंशन रिफ्ट प्ले कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से प्लेयर, कौन कौन से कैरेक्टर, ग्रीन गोब्लिन, वास्ट, या फिर कोई भी एनर्जी अटैक वाला लीडरशिप, या फिर अगर कूल डाउन नहीं पहुंच रहा है तो फिर आयरन मैन लाइक कूल डाउन के लिए लीडरशिप, ठीक है, कूल डाउन के लिए लीडरशिप आयरन मैन को दे सकते हो। इसके अलावा मेन डीपीएस में इसको लोकी को यूज कर सकते हो, या फिर जो भी आपका टीयर 3 कैरेक्टर है, या फिर मैक्सिमम बिल्ड कैरेक्टर है, ठीक है, सिंपल जो भी आपका मैक्सिमम बिल्ड कैरेक्टर है उसको यूज करो, और साइड में एक सपोर्ट कैरेक्टर दे दो लाइक सूरी और या फिर टास्क मास्टर, ठीक। ये फ्री, ये दोनों फ्री हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कोल्सन का सपोर्ट अप्लाई नहीं होगा इसको लोकी को। तो तीन कैरेक्टर है सपोर्ट के लिए, एक कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर सपोर्ट के लिए, देखो ग्रीन गोब्लिन, सूरी, टास्क मास्टर, तीन सपोर्ट के लिए, और आपका तीन लीडरशिप के लिए, वास्प, ग्रीन गोब्लिन, आयरन मैन, या फिर कोई एनर्जी वाला, कोई भी एनर्जी अटैक का या लीडरशिप वाला कैरेक्टर, और डीपीएस के लिए लोकी, या फिर कोई भी आपका मैक्सिमम बिल्ड कैरेक्टर, ठीक, सिंपल आइडिया मिल गया। बाकी देखो कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में बताओ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना इतना ही। बाकी नए वीडियो में कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ भी जानकारी मिली है, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना यार। लाइक करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब पसंद तो आ रहा है किसी को, तो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो लाइक कर देना,
और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई वीडियो नहीं डाला। अरे यार मैं वीडियो डालता हूँ, नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहता है, तो बोलते हैं भाई वीडियो नहीं डाला, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वो भी कर लेना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।